क्या कहलाता कि कहानी में अमेजिंग टर्न एंड ट्विस्ट आ चुके हैं, जहां कार्तिक ने संभाल लिया है अपने आप को और परिवार वालों को, और साथ ही कायरव को झूठी कहानी बता दी है और फिल्मों की दुनिया में पहुंचा दिया है। हालांकि कायरव अभी तक इस बात को नहीं समझ पाया है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और वो सीरत को ही अपनी मामा समझ रहा है। एक तरफ कहानी में ये दिखाया जा रहा है तो दूसरी तरफ कहानी में सीरत कार्तिक और कायरव से माफ़ी मांगना चाहती है। जब से उसने नायरा की तस्वीर देखी है उसे बहुत पछतावा हो रहा है, उसे बहुत बड़ा सदमा लगा है, जिसके चलते वो उदयपुर भी आ जाएगी और गोइंका विलास पहुँच जाएगी, जहाँ दरवाज़ा खोलते ही गायू के होश उड़ जाएंगे और गायू जब सीरत को अपनी आंखों के सामने देखेगी तो वो नायरा नायरा कहने लगेगी और रोने लग जाएगी। और ये सारी जानकारी वो गोइंकास को देगी और घर वालों को कहेगी कि नायरा आ चुकी है और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। हालांकि गायू ये भी कहने वाली है कि वो नायरा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं झुकला नहीं सकती, जब कार्तिक इस बात को संभालने की कोशिश करेगा और वहीं कायरव गायब हो जाएगा। यानी कि पूरी तरह से कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां कार्तिक और कायरव को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हल आगे की अपडेट आप तक पहुंचा देंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट के ज़रिए।